हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो जो है वो वीआईटी एमसीए के बारे में है। वीआईटी आपने कॉलेज का नाम सुना होगा। उस कॉलेज में एमसीए के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें देने वाला हूं, जैसे कि फीस से रिलेटेड कि कितनी फीस होगी इसमें, प्लेसमेंट का क्या सीन है, इसमें कितना परसेंटेज प्लेसमेंट होता है, कितना परसेंटेज इंटर्नशिप मिलती है, क्या हाईएस्ट पैकेज गया है, और वीआईटी में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी उसके बारे में भी बात करूंगा। और इसके अलावा और एक चीज है कि नंबर वन प्राइवेट कॉलेज क्या वीआईटी है या कोई और कॉलेज है, और वीआईटी एमसीए के बारे में कुछ और मिस अंडरस्टैंडिंग्स है बच्चों के माइंड्स में, तो उसको भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। और साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो वीआईटी एमसीए के बारे में शायद जो मेन कैंपस है वेल्लोर, उसके बारे में शायद ही आपको कोई डाउट हो, तो रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तो चलिए वीआईटी वेल्लोर की जो एमसीए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इस वीडियो में। सबसे पहले बात अगर करूं तो वीआईटी के बारे में तो जानना जरूरी है कि वीआईटी कैसा है। तो वीआईटी का जो फुल फॉर्म है वो है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको मैक्सिमम लोग वीआईटी के नाम से जानते हैं। यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि अब प्राइवेट के साथ साथ यह एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है। डिस्कस करते हैं। इसका जो फॉर्मल नेम था, जो इसको पहले जिस नाम से जाना जाता था, उसका नाम था वेल्लोर इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके वीआईटी रखा गया। अगर मैं बात करूं लोकेशंस की, तो लोकेशन जो है वो वेल्लोर एक सिटी है जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, वहां पर यह कॉलेज स्थित है। अगर मैं बात करूं इस्टेब्लिशमेंट की, तो 1984 लगभग 38 साल पहले इस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यह कॉलेज लगभग 64 अंडर ग्रेजुएट, 35 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 16 इंटीग्रेटेड मतलब हुआ कि अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एक साथ देती है। जैसे कि मान लो आपको एमसीए करना है, बीसीए करना है, एक साथ 5 ईयर का कोर्स दे दिया उन्होंने कि बीसीए प्लस एमसीए दैट इज इंटीग्रेटेड कोर्स। इसके अलावा 2 रिसर्च प्रोग्राम भी इनके यहाँ चलाए जाते हैं। इसके अलावा 2 इंडस्ट्रियल प्रोग्राम होते हैं एमटेक में, यह भी होता है। अगर मैं बात करूं एक्रीडेशंस का, तो ये नैक के द्वारा एक्रीडेटेड है। नैक का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नैक क्या होता है। नैक जो है एक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या संस्था को यह प्रमाणित करती है कि उसका जो एक्रीडेशन लेवल है वो काफी ही हाई है, अच्छा है। अगर नैक के अंतर्गत वो आ गया है तो जैसा कि आपने एक एमसीए के प्रोग्राम कर लिए, एमसीए आपने कर लिया, तो कहीं भी आप एडमिशन लेने जाएंगे, कहीं भी कंपनी में जाएंगे, तो वहां पर ये माना जाएगा कि आपके पास बाय डिफॉल्ट एमसीए की डिग्री है, तो आपके पास कंप्यूटर की बेसिक्स पता होंगी, ये मान लिया जाता है। तो ऐसे ही जिसको नैक द्वारा प्रमाणित किया जाता है वो एक अच्छे कैटेगरी में काउंट किया जाता है। आपने एक चीज सुना होगा कि कुछ बच्चे जो आईआईटी पढ़ते हैं उनको बोलते हैं आईआईटीएन, कुछ बच्चे जो एनआईटी पढ़ते हैं उनको बोलते हैं एनआईटीएन। ऐसे ही अगर जो बच्चे वीआईटी से पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वीआईटियंस, VITIANS, वीआईटियंस। ये एक निकनेम है। इसके अलावा वीआईटी का जो है वो 4 कैंपस है। मेन कैंपस जो है वेल्लोर है और चेन्नई है सेकंड कैंपस। 2 सिस्टर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है वीआईटी की, एक अमरावती में है, दूसरा भोपाल में है। तो वेल्लोर कैंपस की बात करूं तो वेल्लोर कैंपस का जो मेन गेट है कुछ इस तरह दिखेगा। आप कहीं भी फोटो या वीडियो में देखे होंगे तो आपको पता लगेगा। हमने स्टार्टिंग में सारे कॉलेज का, चाहे वेल्लोर का हो गया, चाहे वो अमरावती का हो गया, चेन्नई का हो गया, चाहे भोपाल का, सारे का एक क्लिप मैंने स्टार्टिंग में चला दिया है, तो आपने देख भी लिया होगा। और हर एक कॉलेज की वेबसाइट का लिंक मैं आप स्क्रीन पर शो भी करवा रहा हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आप जाके हर एक कॉलेज के बारे में चेक कर सकते हैं। वैसे अगर वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आप पता लग ही जाएगा। और चेन्नई की बात करूं, चेन्नई कैंपस कुछ इस तरह दिखेगा, काफी अच्छा और बढ़िया बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, एकदम हाई क्वालिटी की है। और वेबसाइट जो है वो है chennai.vit.ac.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं इस कैंपस और इसके बारे में। इसके अलावा अमरावती कैंपस की बात करूं तो अमरावती कैंपस का जो मेन गेट है वो कुछ इस तरह दिखेगा। इसको VITAP के नाम से जाना जाता है, VITAP इंस्टीट्यूट। वैसे आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, जिससे आपको VIT की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चारों यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। इसे इस वीडियो में स्पेशली मेन कैंपस का डिस्कशन मैं करूंगा, ओवरव्यू में दे रहा हूं सबका, लेकिन मेन कैंपस का डिस्कशन होगा और सारे कैंपस का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए। इस वेबसाइट का नाम है VITAP.ac.in। इस लिंक पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। बात करूं भोपाल कैंपस का, तो भोपाल कैंपस आपको कुछ इस तरह दिखेगा। जैसे कि आपको बहुत सारे इसमें फ्लैट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और एक्चुअल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और VIT भोपाल की जो वेबसाइट है उसका bhopal.ac.in। जितनी भी VIT की कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें सारे में VIT जरूर लगा होगा। अब मैं बात करता हूं फैसिलिटीज की कि क्या क्या फैसिलिटी आपको VIT के मेन कैंपस अर्थात वेल्लोर वाले कैंपस में मिलने वाला है। तो वेल्लोर वाले कैंपस में एक फंक्शनल एक्टिविटी होती है जिसको रिविरा के नाम से जाना जाता है, RIVIERA। और ग्रेविटास्क के नाम से इनका एक टेक्निकल फंक्शंस होते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा फैसिलिटीज में ही आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगी। सेंट्रल लाइब्रेरी आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में कि कितना ही अच्छी बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा अंदर की अगर आपको देखना है तो उसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्लिप चलाया है लाइब्रेरी का, वो आप ध्यान से देखिएगा। तो अंदर की सीन भी मैंने दिखा रखा है और कुछ अंदर की सीन इस तरह दिखेगा, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है वो काफी ही हाई क्वालिटी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है और आपको हर एक तरह की बुक्स मिलेंगी यहाँ पर। तो बच्चों को कंफर्ट जोन में पढ़ने की सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अब मैं बात करूंगा फैसिलिटीज में ही, तो यहाँ पर स्पोर्ट की काफी फैसिलिटीज हैं। स्पोर्ट में आप जितना भी आज तक खेल सुने होंगे उसमें से मैक्सिमम आपको खेल स्पोर्ट की फैसिलिटीज VIT के मेन कैंपस में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल्स हैं जिसका भी आप इंजॉयमेंट कंप्लीटली कर सकते हैं, चाहे वो स्विमिंग सीखना हुआ, चाहे आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं फैसिलिटीज में ही, हॉस्टल एक तरह की फैसिलिटीज होती है। यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो पहला चीज है कि आपके कैंपस से जस्ट सटा हुआ आपको ट्रेन जाती है, जो कि VIT कॉलेज के जस्ट बाहर ही एक स्टेशन है VIT के नाम से। वहां से आप ट्रेन से अप डाउन कर सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। हॉस्टल अगर बात करें तो हॉस्टल लगभग 27 हॉस्टल है, रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में हॉस्टल्स वहां पर होते हैं। फैसिलिटीज में ही आपको अगर हॉस्टल की जरूरत पड़ी, VIT के कैंपस में कोई परेशानी आई, तो VIT का जो हॉस्टल है वो भी काफी एडवांस है और यहाँ पर मेडिकल फील्ड की भी पढ़ाई होती है। इस वजह से यहाँ पर मेडिकल के बच्चे भी अपना योगदान देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। अब मैं बात करूं, अगर MCA में आप एडमिशन लेना ही चाहते हैं VIT कॉलेज में, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है कि आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री लिए हो, जो कि मिनिमम 3 साल का बैचलर डिग्री हो। मान लीजिए आपने BTech कर लिया, उसके बाद MCA करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका BTech 4 ईयर का ऑलरेडी होता है तो आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर 3 ईयर से कम कोई डिग्री है जो बैचलर डिग्री दे रही है तो वो वैलिड नहीं है। बैचलर डिग्री जैसे कि BCA, BSc, IT या कंप्यूटर साइंस से हो और साथ में आपका मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है 10+2 में और ग्रेजुएशन लेवल में, चाहे वो किसी एक ईयर में हो या किसी एक सेमेस्टर में हो, लेकिन होना चाहिए। और साथ में आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स भी हो, तभी आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल करेंगे और तभी आप एडमिशन यहाँ पर ले पाएंगे। अब मैं फीस की अगर बात करूं तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है। आपने NITs की वीडियो हमारी देखी होगी, तो सारी NITs हमने कवर किया है जो कि MCA करवाती है। उनकी फीस से लगभग बराबर ही आपको मिलेगा, कहीं से कम मिलेगा, कहीं से हल्का बहुत ज्यादा मिलेगा, कह सकते हैं कि लगभग बराबर है। 1,37,000 पर ईयर ट्यूशन फीस है और क्वेश्चन फीस के नाम पे 3,000 देते हैं, तो लगभग 1,40,000 पर ईयर के हिसाब से आपको एमसीए की फी पेमेंट करनी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वीआईटी की फीस बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा फीस नहीं है, आराम से आप दे सकते हैं, लोन भी आसानी से मिल जाता है। लोन की वीडियो भी हमने बना रखी है।